मैं उस एथलीट से बात कर रहा हूँ जो अपना गोल्ड मेडल लाना चाहते हैं। मैं उस एंटरप्रेन्योर से बात कर रहा हूँ जो अपना एम्पायर बनाना चाहते हैं। मैं उस राइटर से बात कर रहा हूँ जो अपना विचार पूरी दुनिया में पहुंचाना चाहते हैं। मैं उस सिंगर से बात कर रहा हूँ जो अपनी आवाज पूरी दुनिया को सुनाना चाहते हैं। मैं उस गरीब से बात कर रहा हूँ जो बहुत अमीर बनना चाहते हैं। मैं हर उस इंसान से बात कर रहा हूँ जो अपने लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहता है। दुनिया बदल रही है, प्रॉब्लम बढ़ते जा रहे हैं, ध्यान भटक रहा है, फालतू अपने जो बांध रखा है। कुछ खरीदने जाओ तो खरीदने के लिए पैसा नहीं है, किसी से मदद मांगने जाओ तो हंसने के सिवाय और कुछ रिप्लाई नहीं देगा। इस हाल में एक ही बात याद रखो, चुपचाप मेहनत करो। डिलीट कर दो उन सभी ऐप्स को जो तुम्हें ध्यान भटक रही है। दूर हो जाओ उन सभी दोस्तों जो तुम्हारा उद्देश्य भटक रहे हैं। बंद कर दो उन सीरीज को, वीडियोस को जिसे देखकर आप कमजोर होते जा रहे हैं। मत करो उस नोटिफिकेशन का मैसेजेस का इंतजार जिसे देखकर तुमको सुख शांति मिल रही है। और दूर हो जाओ उन चीजों से जो आपका कीमती समय बर्बाद कर रहा है। बंद कर दो अपने आप को उस रूम में जहाँ पर आप और आपके लक्ष्य के सिवाय और मेहनत के सिवाय कोई ना हो, चाहे एक महीने के लिए, दो महीने के लिए, चार महीने के लिए, पांच महीने के लिए, बस खुद के लिए। जरा पूछो अपने आप से कि कौन हूं मैं, क्यों इस दुनिया में मैंने जन्म लिया है, क्या गोल है मेरा, क्या उद्देश्य है मेरा, कहां तक जाना है मुझे, अभी मैं कहां हूं। जो भी फ्यूचर के प्लान होंगे बस आपके पास ही होंगे। जो भी आप मेहनत करने वाले हो वो चुपचाप होगी, किसी को बताने की जरूरत नहीं। जिस दिन आप अपनी मेहनत से बुलंद आसमान छूने वाले हो उसकी किसी को खबर तक नहीं होगी। गंदी आदतों को त्याग कर लक्ष्य को दिमाग में बिठा कर जो रास्ता तय किया है खुद के दम पर खड़े होने का, बस उसके सिवाय दिमाग में कोई ना हो। अब वक्त आ चुका है दुनिया हिलाने का। वो एथलीट जिसने अपनी मेहनत से दिन रात मेहनत करके जो पसीना बहाया उसके खून के बराबर है। उसके गले में जो गोल्ड मेडल है वो एथलीट पूरी दुनिया को मैदान में आने के लिए इंस्पायर कर सकता है। वो एंटरप्रेन्योर जो अपनी रिसर्च एंड आइडिया से बिलियन डॉलर का एम्पायर खड़ा कर सकता है। वो राइटर जिसके एक विचार लिखकर वो करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल सकता है। वो सिंगर जिसकी सालों की मेहनत से वो अपनी आवाज़ से कई लोगों को अपनी आवाज़ सुनने के लिए मजबूर कर सकता है। दुनिया का हर वो इंसान सफल बन सकता है, बस उसको खुद के लिए टाइम देना पड़ेगा और शांति से चुपचाप मेहनत करनी पड़ेगी। सभी सफल लोगों ने अपने खुद के लिए टाइम दिया था। आजकल के लोग जो सोशल मीडिया पर टाइम बिताते उससे तो बहुत ही कीमती था। बात उस एथलीट की आई या फिर एंटरप्रेन्योर की, सिंगर की आए या फिर राइटर की, जो उनका मेहनत का नशा था उनकी वो कामयाबी का रास्ता था। अपना लक्ष्य जो लोगों को बताते रहोगे मैं ये करने वाला हूँ, मैं आज करने वाला हूँ, तो आपके लक्ष्य में ताकत नहीं रहेगी, आप फीके पड़ जाओगे। इसलिए चुपचाप मेहनत करो। और यह बात हमेशा याद रखना, डोंट शो पीपल योर प्लान, शो देम योर रिजल्ट। लोगों के अपने प्लान मत बताओ, लोगों को अपने परिणाम दिखाओ। एकांत में जो मेहनत है मेरी भले ही चुपचाप क्यों ना हो, जो विशाल लक्ष्य तय किया है सफलता का जो झंडा ले रहने वाला हूँ। मुश्किलें तो आ ही जाएगी, उसके बिना संघर्ष करने में मजा कैसे। मेरा तो सपना बहुत बड़ा है, उसके सामने ये मुश्किलें एक चींटी के समान है। माना कि मेरा लक्ष्य बहुत बड़ा है, तुम हंस लो अभी, क्योंकि दुनिया बड़े सपने देखने वालों के ऊपर ही हंसती है। एक दिन ऐसा लाऊंगा तुम्हारे हंसी को, एक दिन मेरे जैसा बनने के लिए मजबूर कर दूंगा। जो मेहनत है वो चुपचाप कर लो, जो लक्ष्य तय किया है दिमाग में बिठा दो। जो कामयाबी मिलने वाली है तुम्हें उसके लिए अपना संघर्ष करना मत छोड़ दो। खामोशी की मेहनत और जीवन का लक्ष्य यही है जो तुम्हारी खामोशी का एक दिन बहुत बड़ा शोर मचाएंगे और तुम्हारी सक्सेस को पूरी दुनिया को दिखाएंगे। अंधेरे से उठकर तुम्हें उजाले तक ले जाएंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।